पंजाब की, क्या लड़के और लड़की का एक साथ दिखना गुनाह है? क्या अगर लड़का और लड़की एक साथ दिखते हैं तो वो हमेशा गलत काम ही करते हैं? सवाल ये भी है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसे बीच सड़क पर मारपीट उसके साथ की जाएगी। पंजाब के संगरूर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। संगरूर के सुनाम में चंद लोगों ने एक लड़के और एक लड़की की पिटाई कर दी। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये दोनों एक साथ थे। मारपीट का ये वीडियो चंद दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। तालिबानी चेहरे की एक और तस्वीर देखी। तस्वीरों में चंद लोगों की भीड़ एक लड़की और एक लड़के को बेरहमी से पीट रही। देखिए कैसे ये बुजुर्ग महिला ताबड़तोड़ डंडे से लड़की की पिटाई कर रही। लड़की गुहार लगाती है, खुद को छोड़ने की मिन्नतें करती है, लेकिन इस बुजुर्ग महिला का दिल नहीं पसीजता। ये इस पर डंडों की बारिश करती रहती है। अब इन हैवानों को देखिए। इनके बीच लाल रंग की शर्ट पहने ये लड़का है। ये लड़का जमीन पर गिर गया है। आसपास दिख रहे लोग इस पर लात घूसों की बारिश कर रहे हैं। ये वीडियो पंजाब के संगरूर से आया है। लड़के और लड़की की पिटाई का ये वीडियो चंद दिनों से सुनाम में वायरल हो रहा था। वीडियो में चंद लोग एक लड़के और लड़की की पिटाई कर रहे हैं। लड़के और लड़की से गाली गलौज कर रहे ये लोग उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। ये लोग दोनों पर भद्दे भद्दे आरोप लगाते हैं और इनकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। दरअसल तस्वीरों में पिट रहा यह शख्स 20 साल का सुभाष है। मंदिर से लौट रहा सुभाष अपने जानकार के घर चला गया। तभी आसपास के लोगों ने दरवाजा बंद किया और गाली गलौज और मारपीट करने लगे। बचने के लिए दोनों भागे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और जमकर पिटाई की। कुछ लोग हैं जी जो बेदर्दी से लड़का और लड़की को मतलब पीट रहे हैं जी, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मंदिर के पास वैसे खड़े हैं जैसे कोई वैसे नॉर्मल खड़े हैं, तो कोई ऐसी हरकत भी नहीं थी जो अश्लील कोई हरकत कर रहे हो, जैसे कोई समाज में लगे भी ऐसे हरकत है भी जो समाज नहीं देख सकता, समाज हमारा अलाउड नहीं करता, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मारपीट का ये वीडियो पिछले कई दिनों से सुनाम में वायरल हो रहा। पुलिस को भी इसकी भनक लगी। इसी बीच पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिथे लोगों ने इकट्ठे होके रौला पाया, दरवाजा खड़काया, जदों वो बाहर निकले तो उन्होंने मार पिटाई की। करीब 6 लोगों के बाई नेम है जी, ये होर भी आ सकते हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या किसी लड़के और लड़की का एक साथ दिखना गुनाह है? सवाल ये कि आखिर किसी ने गलत किया है तो उसे सड़क पर सजा देने की तालिबानी मानसिकता कहाँ से आई? कीर्तिपाल, संगरूर, जी मीडिया। तो सरेआम तालिबानी इंसाफ की ये पहली तस्वीरें नहीं है। बिहार के जहानाबाद और गया से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। जहानाबाद में चंद लोगों ने नाबालिग लड़की से सरेआम छेड़छाड़ की थी। ये वारदात अप्रैल के महीने की और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। तो दूसरी तरफ गया में लड़की से छेड़छाड़ की गई। यहाँ 2 जगहों पर बदमाशों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की और फिर उसका वीडियो वायरल कर दिया। और अब पंजाब से ऐसी ही तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। सवाल यह है कि इन लोगों को अधिकार किसने दे दिया है कि इस तरीके से मारपीट की जाए अगर एक लड़का और एक लड़की साथ में जा रहे हैं? अगर वो साथ में है तो आखिर इन लोगों को किस तरीके से और क्यों आपत्ति होती है? और पंजाब से भी अब ऐसा ही मामला देखने को आया।